घर से साले तू भाई तू क्यों मेरे से बात करता है साले भाई, शुरू तूने किया भाई, और तू भी भाई हर समय बोलता रहता है, गुस्सा आएगा ना तो बयान बयान कर दूंगा मैं। गलती गलती तुम्हारी है भाई, मानना सीखो, गलती तुम्हारी है, मान जाओ। अबे तो मेरी गलती नहीं है, वो बस मजाक था, एक तेरे को एक वीडियो बनाने के लिए बस एक मजाक था, उसकी मीम बोल रहा था, उसके बाद भाई तुमने शुरू किया है, उसके बाद मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम्हारा गलती तुम्हारी है, तुम मान क्यों नहीं रहे हो, सबसे पहले ये तो बताना एक बार। गलती शुरू किसने किया, तूने किया भाई, वीडियो किसने बनाया था शुरू में, तुमने ही तो बनाया था ना। और भाई तुमने सबसे पहले तो वीडियो पे वीडियो का थंबनेल देखो, उसके बाद भाई तुमने ये सब बिन बात का झूठा चीज मेरे ऊपर लगाया तुमने। अबे तू जा रहे यार, तू जा रहे, कुछ कर नहीं सकते मेरा, जा तू। अरे दिमाग लगा भाई, सही दिमाग कर। सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है ना? पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता, लेकिन इस बार उम्मीद करता हूं जब तुम लोगों को यह सुनाओ तो माहौल खुशी का हो, बिछड़े हुए अपनों से फिर मिल जाए और हमारी दुनिया जितनी नॉर्मल जितनी आम हुआ करती थी एक बार फिर से वैसी ही हो जाए, अगर वो वैसी कभी थी तो। उफ, ये दुनिया और ये ब्रह्मांड, अगर 10 साल पहले तुम ये कहती ना कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं है तो मुझे ताज्जुब तो नहीं होता, लेकिन फिर किसने सोचा था कि ये सब देखना नसीब होगा। अच्छी बुरी जैसी भी है, हमारी ये कहानी अब हमारे बच्चों की विरासत है और हमारी मॉर्गन को इसी में जीना सीखना होगा। इसलिए सोचा एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड कर लो ताकि वक्त से पहले अगर गुड बाय हो जाए मेरी जैसी हस्ती का, तो वैसे मरने का कोई सही वक्त थोड़ी होता है।